हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। और रियलमी 3 प्रो की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और उन वीडियोस में जितने सारे कमेंट्स आए हैं उनमें से अगर 5-6 कमेंट, एक अनयूजुअल कमेंट मैं बता सकूं आपको, तो वो ये है कि आप लोगों ने बहुत बार पूछा है कि आपके कैमरा ऐप में गूगल लेंस का सपोर्ट कैसे है इनबिल्ट। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि गूगल लेंस का सपोर्ट नहीं है। 3 बार ऑप्शन में मैं जैसे गया, लेकिन फिर से अगर जाऊँगा तो यहाँ पर गूगल लेंस देखने के लिए मिलेगा। तो गूगल लेंस का सपोर्ट इन बिल्ट था मेरे फ़ोन में, आउट ऑफ द बॉक्स, किसी अपडेट के बाद भी नहीं आया, आउट ऑफ द बॉक्स ही था। और 95% लोगों का ऐसा ही है मुझे लगता है। खाली गिने चुने कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके फ़ोन में ये जो है पहले से आउट ऑफ द बॉक्स गूगल लेंस का सपोर्ट नहीं है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब बहुतों का आपको पता होगा L1 L3 का भी चक्कर है। L1 मेरे डिवाइस में पहले नहीं था, L3 था, फिर A13 अपडेट जो आया उसके बाद L1 हो गया, लेकिन अभी भी बहुतों का L1 नहीं है, L3 है। तो ये सारी चक्कर जो है रियलमी 3 प्रो डिवाइस के साथ। एक काम जो पहला आप कर सकते हैं, हाँ, वो है आपका जो कैमरा ऐप है उसका डेटा क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो कैमरा ऐप है उसे टैप एंड होल्ड करना है। टैप एंड होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर ऐप इन्फो में जाइए और स्टोरेज यूजेस ये वाली ऑप्शन में जाइए, फिर क्लियर कैच करें, फिर क्लियर डेटा करें। हाँ, क्लियर डेटा करने से डरिए मत, ऐसा करने से आपकी फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह कुछ डिलीट नहीं होगी। फिर बैक आइए और फोर स्टॉप करिए अपने ऐप को, कैमरा ऐप को, और फोर स्टॉप करने के बाद फिर से जैसे ओपन करते हैं, ओपन करें, परमिशन वगैरह दे दीजिए, फिर देखें कि यहाँ पर 3 बार में आपका गूगल लेंस आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाए तो बढ़िया है, ऐसा करने से कभी कभी जो है ऐप रिफ्रेश होता है और शायद कुछ बग्स के वजह से अगर नहीं आ रही है तो फिक्स हो सकता है। दूसरा जो मोस्ट प्रोबेबल जो है चांस है कि इसकी वजह से जो आपका इंटीग्रेटेड सपोर्ट आ जाए गूगल लेंस का, वो है आपको गूगल लेंस का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो 11 MB का लगभग आसपास ये ऐप है, तो इसे डाउनलोड कर लो और उसके बाद एक ट्राई करते हैं। हालांकि आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आएगा। मेरा यहाँ पर इनबिल्ट कैमरा ऐप में है जो गूगल लेंस का सपोर्ट है। तो डायरेक्ट आप गूगल लेंस को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैमरा में कैसे इंटीग्रेट होगा उसके लिए आपको जो गूगल लेंस का ऐप है इसके भी ऐप इन्फो में जाना है। तो प्रेस एंड होल्ड करके रखें, ऐप इन्फो में जाइए और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं करना है, तो आपको जाना है परमिशन में। तो परमिशन में जैसे जाओगे यहाँ पर देखोगे कि सारे ऑफ है परमिशन, तो कैमरा, माइक्रोफोन और स्टोरेज ये तीनों का परमिशन दे दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कैमरा, शायद कैमरा का जो परमिशन है ये देने के बाद आपके डिवाइस की जो कैमरा ऐप है वहाँ पर ये इंटीग्रेशन आ जाए, मतलब वहाँ पर आपको देखने के लिए मिले। तो अगर माइक्रोफोन और स्टोरेज का भी नहीं भी देंगे तो चलेगा, स्टोरेज का तो देना ही चाहिए, माइक्रोफोन का नहीं भी देंगे तो चलेगा, और कैमरा का ज़रूर देना। और एक बार देख के मुझे बताना यहाँ पर, और उसके बाद देखना यहाँ पर 3 बार में आपका जो है यहाँ पर गूगल लेंस का सपोर्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाए तो बढ़िया है, कमेंट करके इन्फॉर्म कर देना एक बार। तो छोटा सा एक वीडियो था यहाँ पर, आपकी हेल्प करने की थोड़ी बहुत कोशिश है। क्या पता है जो ट्रिक मैंने बताई वो काम कर जाए और गूगल लेंस का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिले। और नहीं भी मिलता है तो गूगल लेंस का जो ऐप है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपके साथ, तब तक देखते रहिए।